हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का एग्जांपल एट। एग्जांपल एट है सो दैट 1.272727 इक्वल टू 1.1227 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखो, इस तरह का एग्जांपल हम लोग इसके पहले के एग्जांपल यानी कि एग्जांपल 7 में भी पढ़े थे, जिसमें हम लोगों के पास बार जो दिया हुआ था वो एक नंबर पे था, यानी कि सिंगल नंबर पे बार था। लेकिन इसमें क्या है कि डबल नंबर पे बार दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि इस नंबर को आप किस में एक्सप्रेस करो, तो पी अपॉन क्यू यानी कि रैशनल नंबर के फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। तो देखो, इसके लिए हम लोग वी नो करते हैं यानी कि हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट 1.2727 और 1.1227 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, यानी कि ये नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड ऑल्सो ये रिपीटिंग भी है। इसका टू डिजिट जो है वो ऑल्सो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो देखो, इसके लिए हम लोग नंबर लेट करते हैं। सो लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। तो हम लोग नंबर इसके लिए क्या लेट करते हैं, एक्स लेट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, सो एक्स इक्वल टू 1.272727 ठीक है। देखो, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हम लोगों के पास बार कितने डिजिट पे दिया हुआ है, दो डिजिट पे दिया हुआ था। जब हम लोगों के बार इसके पहले के क्लास में यानी कि इसके पहले के एग्जांपल में वन पे था, तो हम लोग मल्टीप्लाई किससे किए थे, 10 से किए थे। यानी कि हम लोग अब बोथ साइड में मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से करेंगे, क्योंकि हमारा बार जो है यानी कि रिपीट जो हो रहा है वो दो डिजिट रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, यानी कि हम लोग दोनों तरफ किससे, सॉरी, नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 100, यानी कि हम लोग दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 100x इक्वल टू ये हो जाएगा 1.272727 ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमारे पास कितना डिजिट मल्टीप्लाई होता है, टू डिजिट मल्टीप्लाई यानी कि 20 मल्टीप्लाई होता है ना। इसलिए ये पॉइंट जो है वो यहाँ से उठ करके यहाँ यानी कि दो डिजिट के बाद पॉइंट आ जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा 1.272727 इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि घटाते हैं। इक्वेशन सेकंड में हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को घटाते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन सेकंड क्या है, 100x माइनस एक्स, यानी कि हम लोग एक साइड वाले को एक साइड से घटाते हैं, तो 100x माइनस एक्स करते हैं एंड इधर क्या करते हैं, 1.272727 यहाँ पे ये डॉट 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 हो जाएगा ना, माइनस क्या हो जाएगा 1.2727 ठीक है। जिस तरह से हमारे पास दिया हुआ है, सिंपली देखो इसको लेस करेंगे, 100x में से एक्स को लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 99x हो जाएगा, ठीक है। बट इसको हम लोग सेपरेट कैसे करते हैं, तो देखो इसको सेपरेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पहले 1.272 लिख देंगे, उसके बाद में 0.2727 ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब देखो, हमारे पास पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, वन डिजिट के बाद तुरंत पॉइंट है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे वन डिजिट करेंगे एंड उसके बाद हम लोग पॉइंट देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 000 एंड ये हो जाएगा 7 में से 1 जाएगा तो ये 6 बचेगा एंड ये 2 एंड 1 ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 126 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। तो अब हम लोग x इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 126 अपॉन 99 कर सकते हैं। अब देखो, इसको हम लोग किसके टेबल से काटते हैं, तो इसको हम लोग कट करते हैं 3 के टेबल से, ठीक है। तो 3 के टेबल में 126 यानी कि 12 जो है वो आता है 4 टाइम्स में एंड 6 जो है वो आता है 2 टाइम्स में एंड 99 जो है वो आता है 33 टाइम्स में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 42/33। अब देखो, 42/33 आया तो ये भी कटेगा, है ना, 42 भी कटेगा, 33 भी कटेगा। 42 कैसे कटेगा, तो देखो यहाँ पे कह लेंगे तो ये हो जाएगा 3×1=3 एंड 3×4=12 एंड ये हो जाएगा 33 यानी कि हो जाएगा 11। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14/11। सो हम लोग बोल सकते हैं कि 1.2727 को हम लोग p अपॉन q के फॉर्म में इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसका आंसर जो है वो क्या आता है, 14/11 आता है। इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से
एग्जाम्पल 8 को सॉल्व कर चुके हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत ईजी है ना, क्योंकि इससे पहले के भी एग्जाम्पल में हम लोग पढ़े हैं कि अगर हमारे पास बार वन डिजिट पे रहेगा तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट पे है तो हम लोग कितना से मल्टीप्लाई किए हैं, 100 से किए हैं। अगर यही बार 3 डिजिट पे है तो हम लोग कितना से करते, 1000 से करते, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग आए के एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, देन एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट IQ।